कांडोलिम बीच पर आपको रोड साइड शॉपिंग का ऑप्शन मिलता है। स्टॉल कुछ इस तरह का है। अगर आप गोवा आ रहे हो तो फर्स्ट आप रेंटल बाइक ले लेना। विदाउट रेंटल बाइक आप गोवा अच्छी तरह से देख ही नहीं सकते। और आप कांडोलिम बीच पर आप अपने कार और रेंटल बाइक को आप पार्किंग एरिया में आप पार्क कर सकते हैं। उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। वेलकम टू माय चैनल मस्त लाइफ। मेरा नाम अमित कुमार। मैं अभी जा रहा हूँ कांडोलिम बीच। क्या रेट है भैया इसका? 40 रुपया भैया। और आपने देखा एक भुट्टा का रेट है 40 रुपया। अगर आप आते हो कांडोलिम बीच तो आप भुट्टा का मजा ले सकते हो बीच पर, जिसका रेट है एक का 40 रुपया। जैसे कि देख रहे हो कि मैं अभी ये यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का जो अभी टेम्परेचर जो है ज़्यादा हॉट है, इसकी वजह से अगर मैं चल रहा हूँ वैसे तो आँख ऑटोमेटिकली बंद हो जा रहा है, तो मैं अभी सनग्लास का यूज कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो कांडोलिम बीच कुछ इस तरह से दिखता है। रियली आपको मैं बता दूँ, कांडोलिम बीच पर डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मतलब फॉरेन क्राउड भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पारा सेलिंग करते हो तो आपको पे करना पड़ता है 1500 दो लोगों के लिए। और भी बहुत सारे यहाँ पर स्पोर्ट्स है जिसका आप आनंद उठा सकते हो इस बीच पर। इस बीच पर कुछ इस तरह का क्राउड आपको देखने को मिलता है, जहाँ पर मिक्स इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्राउड। कांडोलिम बीच से कलंगुट बीच का दूरी मात्र 2 किलोमीटर का है। अगर आप कांडोलिम बीच जाते हो तो उसी समय आप कलंगुट बीच भी जा सकते हो। बीच पर कुछ इस तरह से लाइफ गार्ड का आपको फैसिलिटी मिलता है। इस बीच पर इसी तरह का क्राउड आपको मिलता है अक्टूबर से जून तक, क्योंकि जून के बाद मॉनसून सीजन स्टार्ट हो जाता है, उसके वजह से क्राउड कम हो जाते हैं। एक कांडोलिम बीच 11 किलोमीटर फ्रॉम पंजी, 38 किलोमीटर फ्रॉम वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन और 12 किलोमीटर फ्रॉम मापसा से ये बीच है। कांडोलिम बीच पर आप देख सकते हो सी से सटा हुआ कुछ बीच डेक बेड पड़ा हुआ है। इसको यूज करने के लिए आपको कुछ पैसे पे करने होंगे और आप इसका आनंद उठा सकते हो। मैं आपको एक बार बता दूं, अगर आप कांडोलिम बीच पर अगर आना चाहते हो तो कांडोलिम बीच का जो सी का लेवल जो होता है हमेशा हाई होता है, जिसकी वजह से आप देख सकते हो आप ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते हो। हमेशा यहाँ पर लाइफ गार्ड का एक रेड जीप हमेशा वो आपको देखते रहता है कि अगर कोई लोग कोशिश करते आगे जाने के लिए तो वो उनको रोकता है। तो आप इस तरह का आपका सी का मूवमेंट आपको मिलता है कांडोलिम बीच में। जो हमेशा आप देख सकते हो हमारे पीछे कुछ छोटे छोटे रेस्टोरेंट जिसको यहाँ पर सैक भी बोलते हैं, उनका अपना पर्सनल डेक बेड वो गेस्ट को ऑफर करते हैं, जिसके लिए वो चार्ज भी करते हैं, जैसे कि 200-300। इट डिपेंड ऑन गेस्ट। अगर फॉरनर है उनसे उसके हिसाब से 500-600 मांगते हैं। अगर आप इंडियन हो तो आपसे 200-300 में आप उससे बात करके आप डेक बेड ले सकते हो घंटा पर और पूरे दिन के लिए उसके। चलो आपको कुछ मैं कांडोलिम बीच का कुछ सैक दिखलाता हूँ और कुछ बीच साइड।
और इस बीच पर सनसेट का कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है कांडोलिम बीच पर। तो आपको मैंने दिखाया कांडोलिम बीच कैसा दिखता है, आपको मैंने मार्केट भी दिखलाया। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। और मैं बता दूं, मैं अभी नॉर्थ साइड का कवर कर रहा हूं। वंस जैसे ही मैं नॉर्थ साइड का सारे बीच को जब मैं कवर कर लेता हूं, तो फिर मैं साउथ का सारे बीच को मैं स्टार्ट करूंगा और मैं आपको दिखलाऊंगा सारे साउथ बीच कैसा दिखता है और आप कंपेयर करना नॉर्थ इज बेटर और साउथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो और सब्सक्राइब के लिए। और भी आगे मैं आपके लिए अच्छे बीच पर जाने वाला हूँ, जहाँ का आप नज़ारा देख कर कहो क्या बीच हो तो ऐसा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप हमारे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो अपने चैनल मस्त लाइफ पर डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं अपने चैनल मस्त लाइफ पर वीकली 2 वीडियो डालता हूँ, जिसका आप आनंद ले सकते हो। मैंने अपना लंच का ऑर्डर दे दिया है और मैं अभी लंच का इंतज़ार कर रहा हूँ। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।